how people just want to see me and me. Guys, it's mine and me's story only. Or jo life mein kaafi sare hurdles hote hain. So my life mein wo hurdles hain, wo sare paar karke. I don't know. Agar kisi ko yaad ho, to maine apne recent interview mein bola tha, this story is about a girl who is not a regular or normal girl. Jiske upar bahut sari zimmedari hai, jo alag hai, jo kaafi kuch alag karti hai. Aur ab एक दिन अचानक जो शादी हो जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम लोग हर बार, उसके बाद वो अपने ससुराल के रिश्ते, अपनी शादी को, अपने सारे काम वैसे ही चलाते हुए, लाइक हाउ डज शी फाइंड अ बैलेंस एंड हाउ डज शी मैनेज थिंग्स. द स्टोरी वॉज डन और अभी तक वो उसी पे है. लाइक शी इज ट्राइंग टू फाइंड अ बैलेंस बिटवीन हर लाइक बिटवीन उसकी फैमिली एंड हर लाइफ. उसके खुद के सपने हैं जिन्हें वो पूरा करना चाहती, पर वो हमेशा मतलब उसने कभी खुद को प्रायोरिटी रखी है. जो उसके सपने हैं अपने मूवमेंट में साइड लाइन करके शी फोकसेस ऑन मायके का जितनी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मूवी को लेके, एंड देन शी फोकसेस ऑन जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो दिस इज हाउ मी इज, एंड नाउ शी इज फोकसिंग ऑन जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसके हस्बैंड को लेके, बिकॉज दे बिन. सो या दैट वॉज द बेसिक स्टोरी. तो कभी उस तलाक से प्यार किया ही नहीं.
जिससे प्यार करती हूँ उससे मुझसे कोई प्यार नहीं, बट दैट इज शो। तो हाँ, ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। चला जाए। चलो मैं क्वेश्चन वाली साइड से जाती हूँ। क्वेश्चन क्या था? फटाफट